तो लास्ट सेशन जो हमने सैटरडे किया था उसका एक क्विक रीकैप हम कर लेते हैं कि हमने लिखे थे साइन एंड सिम्टम्स, मतलब हमने पूछा था आप लोगों से कि आप यहाँ पर क्यों आए अपने लव्ड वन को लेके। तो हमने एक अच्छी खासी एक लिस्ट बनाई थी जो हमें कहीं ना कहीं कन्विंस कर रही थी कि जो डिसीजन मैंने लिया उसको हॉस्पिटल में लाने का, ट्रीटमेंट में लाने का, वो कहीं ना कहीं सही था। क्योंकि ह्यूमन क्या होता है कि उसकी नेचर ही एम्बिवेलेंस में, करूं कि ना करूं, ये डिसीजन ठीक है कि नहीं है, इलाज कराऊं कि ना कराऊं, मतलब हम दुविधा में ही घूमते रहते हैं। बट आई थिंक जब हमने उस दिन इतनी सारी जो लिस्ट बनाई थी, मैम ने बोला कि मैम अराउंड 40 सिम्टम्स निकल के आए थे बोर्ड पे, और वो सिम्टम्स हमने देखा था कि हम सबके ही यहाँ बैठे वालों ने ही वो चीज़ें बताई थी जो हमने बोर्ड में लिखा, जिनको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। सो पहली चीज ठीक है जी, इलाज की जरूरत थी। अब हम यहाँ पे आते हैं कि मतलब इलाज की जरूरत थी कि क्या ऐसा हुआ जिसके कारण हम यहाँ पर पहुंचे। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आपके जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उस पर्सनालिटी के कैसे इश्यूज हैं, कैसे ट्रेट्स हैं, ठीक है, ब्रेन स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन में कैसे एबनॉर्मेलिटीज हैं, तो उसके कारण ये हमारी बीमारी के लक्षण हमें बाहर दिखे, इम्बैलेंस के कारण। तो अभी हमने बोर्ड में लिखा कि चार चीज़ें जो हम बताएंगे कि वो क्या वाइटल साइंस हैं जिनके इम्बैलेंस के कारण वो साइन एंड सिम्टम्स हमको दिख रहे थे। बहुत सारे रीजंस हैं जिसमें से एक हम एक चीज पकड़ रहे हैं जिसका नाम है केमिकल इम्बैलेंस, कि जो हम जो उस दिन हमने वार्निंग साइंस और सिम्टम्स देखे थे वो क्यों आए। तो हमने बोला ब्रेन का स्ट्रक्चर, जेनेटिक रीजंस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, किसी का कोई ट्रॉमा, किसी के कोई पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, और एक उसमें से हम ले रहे हैं एक फैक्टर जो है केमिकल इम्बैलेंस। सो आप मुझे बताइए कि हम नॉर्मली जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता? वाइटल्स, ठीक है। अब वो वाइटल्स का मतलब कि जब हम किसी फिजिशियन के पास गए जब हमें कुछ भी ऐसे डिस्कम्फर्ट लगता है तो हम वो वाइटल साइंस डॉक्टर चेक करता है, जहाँ अपने जूनियर को बोलता है कि वाइटल्स क्या है पेशेंट के, ताकि उसको दिख जाए। और वो वाइटल साइंस नॉर्मली क्या होते हैं? टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ठीक है, जहाँ उसका रेस्पिरेटरी रेट, उसके बाद उसका वो और ज़्यादा देखेंगे तो ग्लूकोज लेवल चेक कर लेंगे, ठीक है। ये सारे हम वाइटल साइंस की बात कर रहे हैं, पर जब हम अपने मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन से ऐसे वाइटल साइंस होंगे जो हमें बताएंगे कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ ठीक थी कि पेशेंट की मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड। तो उसको हमने एक छोटे से उसमें लिखा है एक्रोनियम में जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं, जिसका मतलब है डोज, और उसके साथ पांचवा वाइटल है एड्रेनल। आपने देखा है कि बड़े लोग जब सुबह जब अपनी शुगर चेक करते हैं तो एक मतलब स्पेकुलेटिव गैस मारते हैं, ठीक है, वो गैस क्या मारते हैं कि आज मेरी ना पक्का शुगर बड़ी होगी क्योंकि रात को मैंने फ्रूट क्रीम खाई थी। उसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये जो केमिकल्स, ये जो हमारे अपने वाइटल्स हैं, जो हम इनको देख के हमें पता लग जाए, एक हम एजुकेटिव गैस मार सके कि आज इम्बैलेंस तो नहीं हुआ हुआ। क्योंकि जो रीजन हमने ढूंढा था कि जो ये इतने सारे साइन सिम्टम्स बीमारी के जो हम देख रहे थे उसके पीछे कारण क्या है, तो हम नॉर्मली ये जो हमने लिखा है ये न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं जो बोलते हैं हम उनको। न्यूरोट्रांसमिटर्स का मतलब कि ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बात करके सिग्नल पास करते हैं, मैसेज कैरी करते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ब्रेन के इन केमिकल मैसेजेस में इम्बैलेंस हो जाए तो हम कहते हैं गड़बड़ है। अब हम जैसे कहते हैं एक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली क्या होता है? 98 डिग्री, हम उसको फीवर नहीं कहते। तो जैसे ही टेम्परेचर रेज होता है तो हम उसको क्या कहते हैं कि इसको बुखार हो गया। उसी तरह हम यहां पे बोलेंगे कि जब हमारे ब्रेन में जा एक्सेसिव जा उसका इनसफिशियंट, ठीक है, जा ज्यादा बन रहा है जा इनसफिशियंट, जब केमिकल ये जो न्यूरोट्रांसमिटर्स हैं जब इसका फ्लो गड़बड़ आ जाता है,
तो हम कहते हैं कि अब पेशेंट को मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब हम देखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एज सच क्योंकि हम अपना यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से ऐसे के केमिकल्स थे जिनके इम्बैलेंस के कारण ये इश्यूज आए। आप देखो किसी भी बीमारी के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। अब कोविड के साइन सिम्टम्स थे, बुखार आ रहा था, बॉडी एक्स हो रहा था, चेस्ट में हम इश्यूज देख रहे थे, तो हमें क्लियर कट पता लग रहा था कि ये है। उसी तरह जब हमने देखा एक लिस्ट, जब सिम्टम्स की हमने बनाई, तो उस लिस्ट में हम देखते हैं कि कौन से केमिकल के इम्बैलेंस के कारण जो मोटे मोटे उसके वो सिम्टम्स हमें फोर फ्रंट पे आज नजर आ रहे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहला न्यूरोट्रांसमीटर है, जो पहला केमिकल है जिसको हमने यहाँ पे लिखा है, वो है डोपामीन। डोपामीन के साथ एक मैम ने पिक्चर बनाई है, और वो पिक्चर किस चीज की है? हाँ जी, मतलब एक ट्रॉफी की। दैट मींस कि कोई अचीवमेंट हुई, कोई रिवॉर्ड मिला, तो इसलिए वो ट्रॉफी बनाई। सो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो ब्रेन के स्ट्रक्चर में जिसका इम्बैलेंस होता है, वो है डोपामीन। डोपामीन को नॉर्मली कहा क्या जाता है कि लाइक ये इंटरनल चेयरफुल लीडर है। आपने आईपीएल में मैचेस में देखा है, चेयर गर्ल्स हैं, चेयर कर रही हैं टीम्स को, ठीक है। उसी तरह डोपामीन हमारी जो लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, वो हैप्पीनेस का, हमें प्लेजर फील गुड कराता। अब ये डोपामीन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? लर्निंग के लिए, मोटिवेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। अगर ये डोपामीन ना होता तो अब तक कोई भी लॉन्ग टर्म गोल अचीव ही ना होता। वो एशियंट जो हमारे थे, पूर्वज थे, वो कभी आगे निकलते ही ना, कोई इन्वेंशन ही ना कर पाते, वो खाना ही ना मतलब ढूंढने जाते। सो आप देखिए कि डोपामीन आपके प्लेजर सर्किट, मतलब जो काम आप अचीव करते हैं आपको खुशी दिलाता है। आप अपना फेवरेट खाना खाते हैं, पिज्जा खाया, जहाँ कोई आपकी फेवरेट डिश होगी, चाइल्डहुड में जाए तो छोटा बच्चा अगर खाना खा लेता हम बोलते हैं वेरी गुड वेरी नाइस। आई मीन वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑन, ठीक है। तो आप अपना एक फेवरेट टीवी सीरियल देखते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है, वो फीलिंग कहाँ से आई? आपने कभी इस चीज को फील किया है जहाँ आप एंटिसिपेट ही करते हैं कि आज रात को, कल नवरात्र है, आज तो मैं डिनर करने जाऊंगी कोबे में, मैं अपना फेवरेट सिज़लर मंगवाऊंगी। वो एंटिसिपेशन से ही वो सुबह से आप अच्छा फील कर रहे होते, ठीक है। जब आप प्लान कर रहे होते हो कि आज तो अपनी गर्लफ्रेंड को, जो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जा रही हूँ, सारा दिन कैसे निकलता है, फील गुड। इसका मतलब वो कौन सा ऐसा केमिकल था जो उस चीज को आपको अच्छा फील करा रहा था, प्लेजर दे रहा था, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? वो था आपका केमिकल डोपामीन। हम जो कोई भी काम शुरू करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, जो हमें खुशी मिलती है, उसके बाद वो खुशी मिलने के बाद हम वो एक्शन रीइन्फोर्स करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो डोपामीन है, इसके जो प्लेजर है बड़ा फ्लीटिंग है, अभी आया तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हुई और चला गया, वेरी एडिक्टिव इन नेचर, पंगा यहां पे है इसका। बट अपनी लाइफ में आगे मूव करने के लिए हमें ये केमिकल चाहिए। अब एक 0 से 10 के स्केल पे लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल डोपामीन को हम रेंज रखते हैं 4 to 6 में। अब हमने देखा था कि अगर ये उस दिन जब हमने साइन एंड सिम्टम्स की बात की थी, जब यहाँ पे आप जब बहुत सारे हमारे पेशेंट्स ने बोला था कि उनको चीज़ें दिखती हैं, सुनती हैं, उनके अंदर शक आता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहते हैं। अब मुझे बताओ इसका रीज़न क्या होगा? इसका मतलब डोपामीन कहीं ना कहीं 6+ है। नॉर्मल मॉडरेट रेंज क्या है? 4 से 6। और अगर हम कहें डोपामीन की फ्लडिंग है, जहां डोपामीन जरूरत से ज्यादा बन रहा है, तो वो इंसान अब गुस्सा भी करेगा। मतलब 0 से 10 में लें तो क्या होगा उसका? 4 से हमने 6 बोला, ठीक है। 7 नंबर पे आया तो वो रिस्की डिसीजंस लेगा। 8 से 9 के बीच में आएगा तो बिल्कुल गलत फैसले लेगा, क्योंकि दलेरी बढ़ी हुई है। 10 में आएगा तो हमने उस दिन देखा था तोड़फोड़ हो रही है, नुकसान पहुंचा रहे हैं,
इसका मतलब उस जो पेशेंट है, जो आपका लव्ड वन है, उसका डोपामीन का लेवल कहाँ पहुंचा हुआ है, डेंजर लेवल पे, जिसके कारण, उसके इम्बैलेंस के कारण उसका रिएक्शन इस तरह से आ रहा है। अब वाइस वर्सा लेते हैं, 4 से नीचे चला जाएगा, मैम मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि डोपामीन 6 से ऊपर 6 टू 10 में रहा है, उसमें गुस्सा भी आ सकता है 6 टू 10 में, और खुश भी हो सकता है बंदा 6 टू 10 में, बिल्कुल आ सकता है। अब है ना, अब ऑपोजिट तो नहीं होता, ऑपोजिट मतलब बिल्कुल लो चला गया। हाँ, हाँ। अब हम कहते हैं कि सेलिब्रेशंस हैं, हमारे घर में कोई शादी आया, फेस्टिवल्स आई, तो हमें डोपामीन चाहिए दिन त्योहारों पे। मतलब मैम वो 10 पे अच्छी भी चीजें कर सकता है, बुरी भी चीजें कर सकता है, वो है कि लाइक वो उस पे परमानेंट ना रहे। हाँ ठीक है, अब जो फ्लड आया, अब नेचुरली मेरे भाई की शादी है तो वो मुझे प्लेजर तो नॉर्मल दिनों से ज्यादा ही फील होगा ना, वो डोपामीन इतना एडिक्टिव नहीं होगा क्योंकि वो नेचुरल बन रहा है। पंगा कहां से आया कि जब हम सब्सटेंस लेके उस चीज को फ्लडिंग करते हैं, ठीक है, हम नाजायज तरीकों से उसको बढ़ा रहे, प्रॉब्लम वहां पे है। ठीक है, अब हमने बोला कि डोपामीन 4 से नीचे जाएगा, तो यहां पे जो इतनी एनर्जी लेवल उसकी प्लस हुई हुई थी, अब यहां पे उसकी एनर्जी लेवल में क्या आएगा, डिप, जो हम कहते थे कि उससे उठा नहीं जा रहा, उसे काम करने का मन नहीं कर रहा, कमरे से बाहर नहीं आ रहा। अब इसका मतलब क्या हुआ, उसका डोपामीन लेवल क्या हुआ, 4 से नीचे। अब आप देखिए कि वाइटल साइंस जब हम पहचानते हैं तो इजिली अब आप देख पा रहे हो, इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि जो मेरा लव्ड वन तोड़फोड़ कर रहा था, जो मेरा लव्ड वन जिसको हेलुसिनेशन, जिसको पैरानॉइड आइडियाज आ रहे थे, जो एकदम इंपल्सिव हुआ हुआ था, इसका मतलब उसका कौन सा केमिकल इंबैलेंस है, डोपामीन। मैं मेरा क्वेश्चन ये सीगा भी जो नेचुरल डोपामीन ना, वो 10 तक ठीक नॉर्मल बिहेव करता, जो आप सब्सटेंस लेके करते हैं वो जड़ा वा उधर आप एडिक्टिव हो जाने, जो नेचुरल बनेगा ठीक है वो आएगा ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, और फिर नॉर्मल उसमें बेसलाइन पे आ जाएगा। ओके ठीक है, नेचुरल है। अब मैंने कोई अपना टास्क कंप्लीट किया, मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि सुबह से लेके शाम तक, अब मैंने घर जाके जब मैं देखती हूँ, सुबह बच्चे को भी भेजा, ठीक है, देन टिफिन पैक किया, अपना ब्रेकफास्ट बनाया, घर का काम किया, देन हर्मिटेज आई, वहां काम किया, वापस गई, यहाँ पे आई, इसका मतलब टिक 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 टिक, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन आती है, एक तसल्ली आती है, वो कहां से आई, नेचुरल डोपामीन रिलीज से। बट हमारे में प्रॉब्लम क्या है कि हमने वो चीजें कुछ नहीं की नेचुरल जो हमें करनी चाहिए थी, जिसके बारे में हम कल सेशन में बात करेंगे कि नेचुरली इन केमिकल्स को कैसा ठीक करें। अभी तो हम क्योंकि मेडिकेशन एंड थेरेपी ये अभी आपकी अर्जेंट नीड है, क्योंकि जो इम्बैलेंस एकदम हुआ पड़ा है उसको ठीक करने के लिए अभी मेडिकेशन भी चाहिए और साथ में थेरेपी भी चाहिए। क्योंकि मेडिकेशन क्या करेगी, वो बिल्कुल काम करती है, जैसे आपने देखा है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, उनकी पूरी टीम आती है, एक जिना लॉक खोलता है और दूसरा जिना पानी स्प्रे करता है, तो जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो दवाइयों से वो लॉक खोल रहे हैं, ठीक है, और जो उनकी टीम है साइकोलॉजिस्ट की वो समझा के उस आग को बुझा रहे होते हैं। सो दोनों इकट्ठे काम करते हैं। हाँ, कुछ केसेस में ओनली थेरेपी वर्क्स, बट आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो क्राइसिस में बैठे हैं, उसमें मेडिकेशन एंड थेरेपी आप लोगों के लिए मस्ट है। सो अब यहाँ पे हमने जब ये केमिकल देखा कि कम बनना शुरू हुआ, जब हम कहते हैं कि हम कमरे से बाहर ही नहीं आए, ठीक है, हमसे कुछ हुआ नहीं, जब हम कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, डोपामिन बन ही नहीं रहा उसका, वो अपने बेड पे ही है, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। सो आप देखें यहां से क्लियर कट आप देख सकते हैं, अपना भी और अपने लव्ड वन का भी, ये वाइटल साइन है, लगता है ना, दिख जाता है ना, शरीर गर्म है, गड़बड़ है, थर्मामीटर फटाफट ले आते हैं, ठीक है। उसी तरह हम इस तरह से अपने आप को, इस साइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जब हम दूसरे केमिकल की बात करें, ठीक है, उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के साथ मैम ने बनाया एक हार्ट, मतलब ये कौन सा हार्मोन हुआ, लव का, कडल का, हग का, ठीक है, जब आप पैट करते हैं रिश्तों में, जब ट्रस्ट आता है, आप बॉन्ड बनाते हैं, बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग आती है, हमारे जितने को रिश्ते हैं वो कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, हमारा ऑक्सीटोसिन। अब जिन लोगों ने कहा था कि सुबह उठते ही उन्हें उनके हमारे घर वाले नहीं अच्छे लगते,
ठीक है, जब जिन घरों में सुबह उठते ही तूतू में शुरू हो जाती है, इसका मतलब कौन सा उनका केमिकल नहीं ठीक काम कर रहा? क्लियरली देख सकते हैं ऑक्सीटोसिन, कि जब हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, हम एक दूसरे से खाना नहीं बैठ के खा के एक जगह खाना नहीं खा पा रहे, ठीक है, एक अपने कमरे में, एक दूसरे अपने कमरे में, इसका मतलब दैट फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, वो ट्रस्ट ही नहीं आ रहा रिश्ते में। इसकी सबसे ज्यादा रियलाइजेशन हुई क्योंकि सबको अपने घर वालों के पास साथ बैठना पड़ा, चॉइस नहीं थी, आई थिंक तब सबसे ज्यादा एहसास हुआ इस चीज का। मदर एंड बेबी का भी कनेक्शन, मदर एंड, क्योंकि एग्जांपल इन आवर इंडियन कल्चर, ठीक है, जब वो मदर डिलीवर करती है तो सबसे ज्यादा उसके अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। आप देखिए कि यही केमिकल रिस्पॉन्सिबल है एम्पथी के लिए, जब हम कहते हैं ना कि दूसरे इंसान को हमने समझना है, उसकी पेन को फील करना है, उसके अंदर क्या चल रहा है, तो कौन सा केमिकल, दिस केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल। अब जो बच्चा आपके साथ बैठ ही नहीं रहा, जो हस्बैंड वाइफ से हमेशा जिसका रिश्ता क्लैश में है, तो इसका मतलब एक चीज है कि कौन सा इंबैलेंस है उसका केमिकल, ऑक्सीटोसिन, कि वो जो प्यार की जगह अब यहां पे क्या आ गया, क्लैश आ गया। और अगर हम नेक्स्ट अब केमिकल की बात करें तो वो क्या लिखा है, सेरोटोनिन। अब सेरोटोनिन का मतलब क्या है, एस फॉर सेरोटोनिन, मतलब अगर सुकून नहीं है लाइफ में तो सिंपल सेरोटोनिन नहीं है, आपकी लाइफ में अगर शांति नहीं है तो इसका मतलब आपका सेरोटोनिन नहीं बन रहा, क्योंकि सेरोटोनिन का मतलब है मूड स्टेबलाइजर, आपके मूड को वो स्टेबल रखता। तो जिन लोगों के मूड स्विंग सबसे ज्यादा चलते हैं, जिन लोगों के हमेशा अंदर एंग्जाइटी रहती है, सैडनेस रहती है, तो इसका मतलब दिक्कत कहाँ पे है, उनका ये केमिकल ठीक नहीं बन रहा। जब फीलिंग आती है होपलेसनेस की, हेल्पलेसनेस की, ठीक है, जैसे आप शेयर कर रहे थे सर अभी, सो हम उस चीज में कहते हैं जब हमारा मूड ठीक नहीं है तो हमारी सोचें भी फिर कैसे आती है, हेल्पलेसनेस की, होपलेसनेस की, अनवर्दी रिलीफ फीलिंग, हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउट करना शुरू कर देते, हमें लगता है कि हम बिल्कुल ही घटिया किस्म के इंसान, जब हमारे अंदर ये फीलिंग चलती है कि मैं अनवर्दी हूँ, ठीक है, जहाँ हमारे अंदर सिर्फ टॉक्सिक शेम चल रही होती है, जिसके कारण हमारा मूड हमेशा चिड़चिड़ा, हमारा मूड हमेशा लो है, हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब मेरा सेरोटोनिन ठीक नहीं काम कर रहा। तो जो हम कहते हैं कि हमें बेचैनी छिड़ी रहती है, तो इसका मतलब सेरोटोनिन नहीं चल रहा, हर टाइम पे एंग्जाइटी चलती जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये केमिकल रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो ये चीज आप एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि कौन सा केमिकल, मतलब ये हमारे इम्बैलेंस हुआ हुआ, जब आप जो लव्ड वन को लेकर आए हैं, कैन यू सी दैट, जब हम कहते हैं कि उसको क्या लेबल करते हैं कि ये जानबूझ के कर रहा, लेबल हम ये करते हैं ये जानबूझ के कर रहे हैं, इसकी तो आदत है, इसको मजा आता है हमें तंग करके। अब आप देखिए कि वो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, कि उसका ब्रेन का केमिकल्स ही लोचे वाला हुआ हो, तो वो कैसे फील करे। जैसे हम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए चाहते हैं, ये भी सेरोटोनिन का एग्जांपल है क्या? इट इज मोर ऑफ लाइक डोपामिन। अच्छा, जब हमें वो लाइक मिलती है, अरे मेरे 1K फॉलोवर बन गए, तो वो हाय जब आती है, That is like dopamine. तो dopamine और serotonin opposite में, नहीं, opposite में act करते हैं, क्योंकि अगर हम pleasure ले रहे हैं तो उस time तो हम सुकून में नहीं है, उस time pleasure में है ना? नहीं, pleasure ले रहे हैं आप, ठीक है, तो pleasure का मतलब क्या है कि आप खुशी, आप अंदर से cheerful हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब mood भी तो अच्छा रहेगा आपका। तो ये जितने भी chemicals हैं ये आपस में interlinked है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक केमिकल मतलब अगर ठीक नहीं बन रहा तो दूसरा भी ठीक काम करेगा, मतलब आप एक गल चेते रख लो, सब तो पहली गल ये चेते रखो भी इन्हों वास्ते मेहनत करनी पैनी है, सोचा च कुछ नहीं बनता, जे असीं कहते ना सोच के कुछ बन जाए या सारी दवाई असर कर जाए, ये नहीं हो, मेहनत करनी पैनी है, रूटीन बनानी पैनी है, टाइम सिर सोना पैना, टाइम सिर नहाना पैना, टाइम सिर खाना पैना, खाने का ख्याल रखना पैना वा, गुस्से का ख्याल रखना पैना वा,
ਬੋਰਡਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲੀ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਜੀ? ਰੋਜ਼ ਰੁਟੀਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਫਾਲੋ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਦਾਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਉਦਾਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਬਣੇਗੀ, ਸਰੀਰ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇਗਾ, ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਬਣੇਗਾ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਖਾਧੇ ਹੋਏ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਦਾਸੀ ਰਹੇਗੀ, ਅੰਦਰ ਘਬਰਾਹਟ ਰਹੇਗੀ, ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਐਂ ਬੰਦਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ। ਆਹ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਧੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਬੀਂਗ, ਵੀ ਆਰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੀਂਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮੀਕਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ ਬਸ। ਐਂਡ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਡੋਪਾਮੀਨ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਪਾਵਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪਾਵਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਲੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘਰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਆਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲਣੀ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕੇ। ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਸੇ ਤੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਮਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆਪਸ ਮੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗੇ, ਤੋ ਇੱਕ ਗੜਬੜ ਆਏਗਾ ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗੜਬੜ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਗਾੜੀ ਕਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਹੁਆ ਤੋ ਆਪ ਗਾੜੀ ਉਸ ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ ਸੇ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਚਲਾ ਲੋਗੇ, ਤੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੋ ਟਾਇਰਸ ਕੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਕੀ ਗਾੜੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਕੀ ਲਾਈਫ, ਆਪਕੀ ਬਾਡੀ। ਅਬ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਮਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਤੋ ਇਫੈਕਟ ਹੋਗੇ। ਤੋ ਡੋਪਾਮੀਨ ਜੋ ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਈਟਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸੇ, ਤੋ ਖਾਣੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਹਮ ਕਿਆ ਆਪਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਡੋਪਾਮੀਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ। ਤੋ ਉਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਸੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੋ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ ਮੇ ਦੇਖਾ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਬੜ ਗਿਆ ਥਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇ ਕਿਆ ਲੱਗਤਾ ਥਾ ਕਿ ਜਬ ਹਮ ਖਾਏਂਗੇ ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਸਾ ਚੇਂਜ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੂਡ ਕੋ ਐਲੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲ ਰਹਾ ਥਾ, ਖਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤੋ ਅੱਛਾ ਲਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਘਰ ਮੇ ਬੈਠੇ ਥੇ, ਕਨਫਾਈਨ ਥੇ, ਤੋ ਅਬ ਹਮੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ, ਤੋ ਹਮ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ, ਜੋ ਹਮ 4 ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਖਾਤੇ ਥੇ, ਹਮ 2 ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਤੇ ਥੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਆ ਹੋਗਾ ਆਪਨੇ? ਯੈਸ ਆਬਾ। मैम, लाइक रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे अबाउट द टाइप ऑफ डाइट एंड उसका इफेक्ट ऑन आर मूड एंड मूड स्विंग्स, लाइक इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज स्पाइक एंड ग्लूकोज क्रैश जो होता है, तो उसके बारे में लाइक कैन यू एलैबोरेट थोड़ा, लाइक इन टर्म्स ऑफ मतलब टाइप ऑफ डाइट, क्या आपके मूड और डेटेड लाइक throughout the day mood pe affect kar sakte hain, wo hum reserve kar lete hain question Dr. Bhatia ke liye, theek hai, because expert advice I really wanted ki he should give, but hame itna pata hai ki jaise ye hum meetha jo khate hain, theek hai, jab hum ye junk food jo lete hain, jab sudden fizzy drinks lete hain, वो किसको मतलब हमारे dopamine spike ही हमें दे रही है। ये जो आजकल energy drinks का बहुत trend चल पड़ा है, जब आप देखते हैं कॉफ़ी शॉट्स लेते हैं, ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक किससे है, रिलेशन किससे है आपके डोपामाइन से? आजकल के जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस है ना, उनका एक थंब रूल है कि जिस भी खाने वाली चीज़ को कम से कम इंसानी हाथ लगाओ वो बेस्ट होती है, मतलब ऑल प्रोसेस थिंग्स एवरीथिंग, वैसे हमें ये पता भी है। We will definitely enjoy more of, you know, the junk food and less of homemade food. That's what they say. And they say ki jitna simple khana, simple khane mein kya hai, hamari dal roti sabzi bina mirch masale ke, utna aap theek rahoge, utna aapka mood theek rahega. But aajkal ka hum kya hai generation, main kal dinner pe bahar gayi thi to mujhe lag raha tha ki sara town hi bahar hai,
दिस इज लाइक कि हम उन चीजों से क्योंकि सडन के क्योंकि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तुरंत मजा चाहिए, उसके बाद सेकंड वो फूड एडिक्शन बन जाती है, दे स्टार्ट ईटिंग अ लॉट, राइट राइट था ना, मैं डेट गया था तो 3 किलो लूज करके ही आऊंगा तुम अच्छा मतलब मुझे भी वहीं जाना चाहिए मुझे तो लगता है मैडम एक चीज को छोड़ते हैं और डाइट जगह खाना शुरू कर देते हैं। हाँ देखिए क्या होता है क्रॉस एडिक्शन में जब हम नशा जब छोड़ते हैं तो सबसे पहली जो क्रॉस एडिक्शन आती है जिससे वो अपने डोपामिन को सब्स्टिट्यूट करते हैं वो है खाना। ब्रेन तो मांगता है ना डोपामिन। अब किसी ने 10 किलो मतलब यहाँ पे उसने ग्लास पानी के किए हो आप उसको 1-2 दे के कैसे सैटिस्फाई करोगे, ठीक है, तो वो कहता है कहाँ से, अब उसको खाने में। इट्स नॉट दैट, जब हम अपने पेशेंट्स को भी अपने रिहाब में देखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट थिंग जब हम देखते हैं कि हम उनका यहाँ पे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं दे स्विच ओवर टू फूड। अभी लास्ट वीक मैं इसमें बात हुई तो माई पेशेंट सेड कि मैम मेरा ना आर्ग्यूमेंट हो गया मैस में, मैं कहा क्यों, कहता मैंने 8 परांठे खाए जब 9वां मांगा तो उसने मना कर दिया। रुका नहीं जाता। अब आप देखिए कि हम कहां से कहां पर फंस गए, ठीक है, अब हम अपना डोपामिन कहां से भरने की कोशिश कर रहे हैं। सो फिर जब उनको इस चीज का समझाया देखो आप उसको क्रॉस एडिक्शन में फंस रहे हो बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे अच्छा फील करने के लिए क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं अब अंदर ट्रीटमेंट सेंटर में बैठा हूँ, ठीक है, कुछ अच्छा लग नहीं रहा मुझे तो मुझे लगता है कि अब जो आ रहा है खाना ही आ रहा है मैं वो ही कर लूँ। मतलब आप उनसे पूछिए तो वो लिस्ट आपको ऐसे देंगे कि जैसे हम पूरे महीने का टक उनको एक ही दिन में खिला दें। तो द रीजन बिहाइंड इज दिस, ये भी एक प्रोसेस का पार्ट है, इट्स नॉट कि उनके हाथ में है सब कुछ, तो शरीर ये उनके दिमाग में मतलब हमारे दिमाग के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर आप पैटर्न वही है ना, आप पहले नशा अरेंज कर रहे हो आपने फूड इकट्ठा करके रखना है, मतलब पैटर्न ब्रेन के जो पैटर्न बना हुआ है वो यही बना हुआ है ना। अब ब्रेन को नहीं पता कि मुझे शराब से मजा आ रहा है या मुझे बर्गर से मजा आ रहा है, ब्रेन को वो डोपामिन चाहिए, सो इट टेक्स टाइम फॉर द ब्रेन टू कम बैक, यू नो यू हैव टू वर्क ऑन इट, जो जो फीचर्स हो रहे हैं। आई लाइक टू ऐड, या श्योर, ये ना गेम बनानी पड़ती है। अब तो बोल रही हूं भाई, नहीं नहीं तुम बना चुके हो इसकी बोल रहे। नहीं उदो जदों थॉट आंदी है ना उदो यू हैव टू टेल योरसेल्फ भाई ये किधर दी थॉट है, सो उदो गेम बन जांदी है। वो तब आता है जब प्रोग्राम बहुत अच्छे लेवल पे आपके अंदर गया है, नहीं तो अरे हम सब मजे के दीवाने हैं, हम सोचते हैं हम कहते हैं तुरंत मजा दो, हम सिर्फ पेशेंट क्या, हम भी कह रही हूँ हम मजे के दीवाने हैं, हम कहते हैं बाद में देखा जाएगा कॉन्सिक्वेंस होएगा, अभी तो मैं खाऊं। शुगर लेवल आप देखते ना बड़ों को जिस चीज का, जैसे इधर उधर हो वो फ्रिज में से रसगुल्ला खा रहे होते हैं, वो कहते बाद में देखी जाएगी, ठीक है, हम तभी कहते हैं कि अभी तो खाएं, अभी का टाइम तो सारे। सो दिस इज तभी कह रहे हैं कि डोपामिन इज एडिक्टिव इन नेचर, हम बार बार उस एक्शन को करने के लिए मतलब फोर्सफुली इंडल्ज हो जाते हैं। मैम ये इसलिए होता है क्योंकि हम फर्स्ट 3 मंथ्स में अपनी रिकवरी के जो हम रिहैब में बिताते हैं अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पे काम करना शुरू नहीं करते, तो कैरेक्टर डिफेक्ट्स वहीं पे रहते हैं और इसलिए कोई क्रॉस एडिक्शन आ जाती है हमारे। देखिए मैं अगर रिहैब की बात करूं तो प्रोग्राम के अगर मॉड्यूल्स में बात करूं तो ठीक है, तो मतलब पहला महीना तो हमारा मॉड्यूल 1 पे ही चलता, दैट मॉड्यूल 1 इज कि हम पेशेंट की सिर्फ अभी इच्छा बना रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी जब पेशेंट आता है हमारे पास उसके अंदर वो इच्छा नहीं होती छोड़ने की, वो कहते हैं या खुदा कोई ऐसा ट्रीटमेंट कर दे कि मैं नशा भी थोड़ा थोड़ा करते रहूं और थोड़ा थोड़ा सचा भी, सब कुछ चलता रहे, ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो फर्स्ट मंथ तो हमारा यही है, अगर हर्मिटेज के मैं प्रोग्राम की बात करूं तो मॉड्यूल 1 में तो इसी में फर्स्ट मंथ निकलता, जब हमसे पूछ रहे इच्छा है उनके अंदर, डीप डाउन देयर इज अ डिजायर, क्योंकि उन्हें भी पता है कि लाइफ उनकी अनमैनेजेबल डिसफंक्शनल हो चुकी है, बट उनका ब्रेन सिर्फ किस चीज को याद कर रहा है, उस प्लेजर को, पेन को वो भूलता जा रहा है,
तो फर्स्ट मंथ तो हम उनको डाटा इंटरवेंशन करा करा के, ठीक है, उनकी आईडी बना बना के इस चीज को बता रहे होते हैं कि लाइक आप अपनी पेन को सरफेस पे लेके आओ, द नीड फॉर चेंज क्यों है, क्योंकि इतनी इजी नहीं है। आपकी लाइफ की बेस्ट थिंग जो आपको किक कर रही थी, आपकी लाइफ का फ्यूल पेट्रोल की तरह आपको रॉकेट की तरह उड़ा रही थी, आप उससे वो चीज ले रहे हो। वी अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट इजी। आम का सीजन आ रहा और कोई बोल दे कि आम नहीं खाना, तो मैंने कहना क्यों भाई, कभी कभी तो खिला दो, एक पीस ही खिला दो। और फॉर देम जिन्होंने इतने साल से उस चीज पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनको नेगेटिव इफेक्ट्स दिख रहे हैं, उनको वो पॉजिटिव इफेक्ट्स याद है, क्योंकि सफर तो उन्होंने ड्रग यूजर का किया था, अब वो ड्रग अब्यूजर बन गए, अब पेन का सफर है। पर दिमाग में वो फाइल कहीं ना कहीं इतनी स्ट्रॉन्ग बैठी हुई है, वो फाइल क्या कह रही है कि एक बार करेगा तो तुझे वो किक, वो प्लेजर मिलेगा। और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जहां पे वो करते हैं, ठीक है, उनको मजा भी नहीं आ रहा, वो छोड़ते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। अब तो वो उसमें सिर्फ नशा क्यों कर रहे हैं, अपने आप को ईज आउट नॉर्मल फील करने के लिए नशा क्यों कर रहे हैं, सुबह उठने के लिए। प्लेजर वाला ग्राफ तो उनका कब से चला गया, क्योंकि प्लेजर की एक चीज है कि जो चीज मजा देगी वो टेम्पररी ग्राफ रहेगा, प्लेजर ऑलवेज हैज दैट शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन। इसलिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे डोपामीन की और वर्सेस सेरोटोनिन, सेरोटोनिन आपको एक मूड स्टेबल करने में लॉन्ग लास्टिंग मदद करता है। डोपामीन कहता है फटाफट, ठीक है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं नहीं लॉन्ग लास्टिंग कामनेस, लॉन्ग लास्टिंग शांति, ठीक है। तो ये चीजें फर्क होता है जब हम कहते हैं कि प्लेजर वर्सेस हैप्पीनेस क्या है, रीडिफाइन जब हमने हैप्पीनेस करनी है, वो आप अपने चार्ज ले सकते हो। जब हम कहते हैं कि हम अपने आप को, जैसे ये इनको नॉर्मली बोला गया है हैप्पी डोज ऑफ केमिकल्स, हैप्पी डोज का मतलब क्या है कि हम सब वी वॉन्टेड टू बी हैप्पी, ठीक है, बट अगर हैप्पी रहना है तो उसके पीछे जसबीर अंकल ने बोला बातें नहीं करनी पड़ेंगी, एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट करेंगे, आप एक्शन करेंगे, तो आप अपने इस केमिकल इम्बैलेंस को बैलेंस में ला सकते हैं। बट हम कौन से हैं, शॉर्टकटिया, हम कहते हैं कि नहीं जी इजी वे बताओ, क्विक फिक्स बताओ, जुगाड़ बताओ, मेहनत कौन करेगा, हार्डवर्क कौन करेगा, सो हम इस चीज से भागते हैं। अब वो बात है कि जुगाड़ बनने वो काम करने बंद कर जाते हैं, बट बंदे का वात अभी लग रहा होता है कि शायद दिस टाइम। दीदी मेन गल दी जो मैं एक्सपीरियंस चाहिए है, अही कंफर्ट जो छंडन नु तैयार नहीं, बस क्योंकि सब में मेहनत करनी पड़ती है, ये मेहनत तो बगैर कुछ नहीं तो निकलना ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करें, हां फिजिकल एक्टिविटी नहीं करें, बिल्कुल आज भी चेंजिंग टाइम्स, हमारा बहुत सारी चीजें फोन पे, कंप्यूटर पे बैठ कर हो गई है। So the, मतलब actual thing is कि सारी चीजें करनी जरूरी है। अगर आपने चाहते हैं कि एंडोर्फिन रिलीज हो, क्योंकि ये सारे हैप्पी केमिकल है, और ये हैप्पी केमिकल जैसे सर कह रहे हैं ये एफर्ट से ही रिलीज होंगे। अब हमने बिना एफर्ट करे, बिना मेहनत मजदूरी करे, हमें अल्कोहल से मिल गया, हमें शॉपिंग से मिल गया, हमें सेक्स एडिक्शन से मिल गया, मनी से मिल गया, तो अब जब वो कंफर्ट जोन से हमें डिस्कम्फर्ट, किसी को भी पसंद नहीं, कोई भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहता। और अब आज क्या स्टेट है कि हमारे केमिकल्स बिगड़ चुके हैं, मतलब ये नहीं कि हम ट्रीटमेंट छोड़ के, दवाई छोड़ के, थेरेपी छोड़ के अगर हम जॉगिंग करने लग जाएंगे तो हमारे केमिकल ठीक और खराब ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अब तो हमारी ब्रेन की मशीन खराब हो चुकी है, हमारा हार्डवेयर फॉल्टी हो चुका है, केमिकल्स इम्बैलेंस और डिसऑर्डर हो चुका है। अब तो दवाइयों की मदद और जो सॉफ्टवेयर को जो साइकोलॉजिस्ट ने ठीक करना है, जैसे मैम एग्जांपल दे रहे थे आग बुझाने का, तो वो पहले करना पड़ेगा। अब तो मशीनरी को ठीक करना पड़ेगा, अब मशीनरी को ठीक करना है, लेकिन उस इंसान ने जिसने नशा छोड़ा है उसको खुशी के केमिकल तो चाहिए ना, तो अब वो जिसको फाइव स्टार का खाना मिल चुका हो, अब उसको दाल रोटी सूखी या मक्का वो नमक के साथ फुलका खाना पड़े, तकलीफ तो होगी। तो इसलिए जो रिकवरी है ना, ये तकलीफ वाला प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ अंदर नहीं जाना कि आपको वो गुड फीलिंग आ जानी है,
तो इसीलिए शुरू शुरू में अपने रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, फैमिली अच्छी नहीं लगती, उठा नहीं जाना, जॉगिंग नहीं करी जाएगी, एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी, वो जो लव का फीलिंग है वो नहीं आएगा। इसलिए हमारे पेशेंट फैमिलीज कहती हैं ये तो नशा करता था तो चंगा थी, काम ते करता सी, अब उनको ये नहीं पता कि वो अफीम खा के 12 घंटे अफीम काम करा रही है, जो नशा उसके अंदर गया है अफीम का, ओपियम का, वो उसको 17 घंटे खेत में काम करा रहा है। अब फैमिली आके कहती है इससे पहले तो काम कर लेता था, भेजता नहीं था। अब फैमिली को ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वो उसकी अपनी पावर नहीं थी, वो उसकी उधार की ली हुई ओपियम की पावर थी जो कराती थी। अब रिकवरी क्या है, अंदर से ये केमिकल फिर से बनने हैं ना, तो उसमें टाइम तो देना पड़ेगा, इसलिए ये ट्रीटमेंट टाइम मांगता है, इसलिए बोलता है अपने ऊपर काम करो। कैरेक्टर डिफेक्ट्स मींस आज तक जो आपने नहीं किया, जिसके लिए आपने जुगाड़ लगाए, जिसके लिए आपने शॉर्टकट यूज करे, जिसके लिए आपने आर्टिफिशियल नशे यूज करे, जिसके लिए आप सच्चाई का सामना नहीं किया और एस्केप कर गए, भाग गए। दैट इज व्हाई रिकवरी इज अ टफ प्रोसेस। या फिर आप नशा करते रहो, कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग, या फिर हम ट्रीटमेंट करें। इसीलिए तो मैंने बोला कि फर्स्ट मंथ में हम जो अपना मॉड्यूल 1 करते हैं प्रोग्राम का, वो मॉड्यूल 1 का मतलब ही यही होता है कि उसकी इच्छा बनाए, इच्छा उसके अंदर पड़ी है, द डिजायर टू गेट वेल वो उसके अंदर पड़ी है, बट उसको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, हमने वो क्योंकि वो भी अपनी बेबसी से बिल्कुल तंग है। ठीक है, अब हमने वो इवोक करनी है मोटिवेशन उसके अंदर से, वो मतलब हमने वो निकालनी है कि भाई पता है तुम्हें कि इतने बेबस हो, बिकॉज एवरी डे आप बेबसी में नहीं रह सकते। जब हमने इतने साइन एंड सिम्टम्स पे देखा तो इसका मतलब मेरी रियल लाइफ है कहाँ पे, मतलब मैं जी कहाँ पे रहा हूँ। तो जब हम उसको, ठीक है, तो हम जब उसको इस, जब हम आते हैं रिकवरी प्रोग्राम में, तो पहला मॉड्यूल ही यही कह रहे कि मतलब उसको पूरी रियलिटी चेक दो कि क्यों द नीड ऑफ द ट्रीटमेंट क्या थे। अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स थे तो आज नेगेटिव इफेक्ट्स की भी तो लिस्ट है, तो आप क्या चुनोगे। अब डेफिनेटली अगर मुझसे पूछा जाए कि आप पेन चाहोगे लाइफ में, कि आप मेहनत से अपनी लाइफ को वापस ठीक करना चाहते हो, तो ऑप्शन बड़ी क्लियर है कि मुझे पेन मिजरी नहीं चाहिए, मैं मेहनत कर लूंगी बट अपनी लाइफ को ठीक कर लूंगी। सो दिस इज हाउ लाइक उसकी विल बनाते हो प्रोग्राम में, क्योंकि पहला तरीका ही यही है कि पेशेंट के अंदर उसकी विल बनाओ टू गेट वेल, कि अगर दवाइयां उसको बेटर कर सकती हैं तो क्यों नहीं। मतलब अगर आप मतलब जॉब कर रहे थे, जॉब में ठीक है आप अपनी करियर को, अपने प्रोफेशन को और आगे लेके जा सकते थे, तो डेफिनेटली आपका पर्पस तो वही होगा ना। यू नेवर वॉन्टेड कि आप घर पे बैठ के कन्फाइन हो जाओ, ठीक है, तो नेचुरली आप क्या करोगे, विद द हेल्प ऑफ थेरेपी एंड मेडिकेशन आप उसी को ही चुनोगे ना। बट ये उसको हमें लाना पड़ेगा, मतलब हमने उसको रिड़कना पड़ेगा कि जिस रास्ते में हो, रास्ता ए भी है, रास्ता बी भी है, रास्ता ए आप चुनते हो, आपको अपनी मिजरी अगर वेलकम करनी है तो आप ए पे कंटिन्यू करिए। दीदी उत्थे जिहड़ी मेन चीज है ना, लैक ऑफ अवेयरनेस, फैमिली नूं नहीं पता साडा बच्चा बीमार है, साडा बंदा बीमार है, पेशेंट नूं आप नहीं पता है बीमारी है, मतलब कि बीमारी की पेन के नाल रहिंदिआं रहिंदिआं ना उहदे अंदर इक होपलैसनैस आ जाती है। बड़िया बड़े पेशेंट मैनू आम करके कहते हैं सर ठीक हो सकता बंदा, बंदा पहला क्वेश्चन ही होता भी नहीं, जो रिटेलीएट करता ना वो पिछे भी कहानी सारी यो आई, वो अंदर होपलैसनैस चलती पी आ, वह कहता मैं नहीं ठीक ठाक होना, इस करके तो हॉस्पिटल तो इलाज तो भजदा, अंदर वो यही चीज चलती है भी मैं कहना ठीक होना, मेरे को नहीं छड़ा जाना। वो क्यों होता है जसवीर अंकल की लाइक 10 साल से मैं इतनी कोशिश कर चुका हूँ, ठीक है, तो अब वो मेरी कोशिशें पूरी नाकाम है क्योंकि मैंने राइट डायरेक्शन में अपना इलाज कराया ही नहीं। अब 10 साल से मैंने इतनी गलत दीवार पे अपना सिर मारा है तो मुझे लगता है कि मैंने ठीक होना ही नहीं है, तो एक लर्न्ड हेल्पलेसनेस हम सीख लेते हैं। कि वो पर्सन ये सोचता है कि सारी दुनिया तो ठीक हो सकती है, मैं नहीं हो सकता, मैं डिफरेंट हूँ,
बिकॉज़ उसने कितना ट्राई कर लिया होता है ना पहले, यही लर्न हेल्पलेसनेस होगी ना कि फॉर ऑल दिस प्रीवियस इयर्स जो उसने पूरी मेहनत की है, जो एफर्ट्स लगाए अपने आप को ठीक करने के लिए, रिजल्ट उसका आया बिल्कुल यूजलेस, वो सारे उसके एफर्ट्स बिल्कुल फ्यूटाइल हो गए, ठीक है। तो अब उसको लगता है कि ये जो मुझे उम्मीद भी बांध रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा। मैं नहीं ठीक हो सकता, क्योंकि उसकी अपनी हड बीती है ना, दस साल से उसकी, दस साल से मैं अगर किसी चीज को, स्टेबल को हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं हिल रही, ठीक है। अब ये मुझे कह रहे नहीं निधि मैं मदद करूंगा, ये टेबल हिल जाएगी, मैं कहती हूँ कि नहीं मुझसे पूछो, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये टेबल नहीं हिली, ये कैसे कह देंगे, तो मैं इनकी बात पे डाउट करती ही करती हूँ। तो फिर इसीलिए जो रिकवरी का फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम आते हैं, वो कहते हैं कि लाइक कि आप एक्सेप्ट तो करो, आप अपने अंदर वो फेथ तो लेकर आओ, वो फेथ लेके आओ, विश्वास लेके आओ, वो श्रद्धा लेके आओ कि दूसरा इंसान अगर मदद कर रहेगा आपकी, तो नेचुरली आप उस प्रोसेस से निकलोगे। प्रॉब्लम कोई है और इसको ठीक करना है, तो दैट इज इवोकिंग हिज मोटिवेशन। हाँ जी, सो मैम, जब एक न्यू फैमिली और एक पेशेंट आते हैं, आप कैसे एक स्पेस उनके माइंड में क्रिएट करते हैं कि अच्छा इस पर्सन के पास हम आए हैं और ये हमें ठीक कर सकता है। व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ इनसाइट? सो द प्रोसेस नेचुरली इन गोज लाइक, जब हम टर्म यूज करते हैं अपने प्रोफेशन में, दैट इज मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, ठीक है। अब वो जब हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, तो उसके एक मतलब एक्रोनियम यूज करते हैं, OARS, ठीक है। कि जब आपके पास पेशेंट आता है, हमें पता है कि उसके इज्जत के फाके पड़े हुए हैं उसको, एंड ही इज इन लॉट ऑफ पेन, सो दैट शोज दैट कि जब आप अपने पेशेंट या उस फैमिली से बात करते हो, तो फर्स्ट एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि बीमारी आप तो उसको उस प्रस्पेक्टिव से देख रहे हो, तो आपके अंदर उसके लिए अनकंडीशनल रिगार्ड, रिस्पेक्ट और एम्पथी होनी चाहिए एज अ प्रोफेशनल, कि मेरा पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, जो उसकी पेरेंट्स उसके बारे में कह रहे हैं, जो पूरी जजमेंट उसके बारे में पास कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इन पेन, ठीक है, वो अभी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उनके साथ जब क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपने देखा है कि जब भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो आपसे पूछते हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन यूज करते हैं, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ। सो दिस इज हाउ वी वर्क, हाउ, व्हेन, हु, वेयर, व्हाट, ठीक है। सो हम भी इस तरह से अपने टूल यूज करते हैं उस फैमिली के साथ, उनकी बात फिर क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग। एम्पथी तो है, उनकी बात आप ध्यान से सुनते हो, एंड देन यू रिफ्लेक्ट बैक कि हाँ अच्छा ऐसे हुआ, आई थिंक हाँ मतलब मैं समझ पा सकती हूँ कि क्या आपके अंदर चला होगा। फिर आप समराइज करते हैं उस सिचुएशन को, ठीक है। तो जब हम इस तरह से टूल यूज करते हैं, आप रिफ्लेक्ट बैक करते हो, ये मुझसे बात कर रहे हो, और मैं आगे से मुझे जिस भी अंकल बोले कि हाँ निधि ठीक है कि मैं समझ पा रहा हूँ, तो मेरा अपने आप कनेक्शन होगा कि आज कोई तो है जिसने मेरी बात ध्यान से सुनी है, ठीक है। ओपन एंडेड एफर्मेशन, रिफ्लेक्ट बैक, समराइज, एंड उसके बाद और कौन से टूल यूज करते हैं, एम्पथी, वो तो मेरे पास आ जाना, वो तुम्हारी क्लास ले लूंगी मैं, ठीक है। सो इट्स लाइक, हाँ, सो इट्स लाइक कि जब हमारे पास जब भी कोई फैमिली आती है, तो एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, हम सब वही चीजें यूज करते हैं, चाहे जसबीर सर हो, नम्रता मैम हो, ठीक है। तो हम ये वाला मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, फिर उसके बाद सुनने के बाद हम वेरी फर्स्ट डे उनको जजमेंट नहीं पास करते, ठीक है। पहले फर्स्ट सेशन तो उनकी बात सुनने का है कि ठीक है, अगर कोई हस्बैंड वाइफ पे आए हैं और हस्बैंड के अपने 1, 2, 3 रीजंस हैं वाइफ को लेके, और वाइफ के पास अपनी पूरी लिस्ट है ग्रजेस की, तो हम कहते हैं आज पहले दिन आप दोनों एक दूसरे की बात हमारे सामने कर लो, ठीक है। फिर हम सेकंड सेशन में कहते हैं, डू यू रियली वांट टू इम्प्रूव, ठीक है, आप ठीक करना चाहते हैं, ठीक है,
क्योंकि उनको प्रोज एंड कॉन से वहां से बात शुरू होती है कि कैसे आगे आपने चलना है. सो एडिक्शन के केस में डिफरेंट होगा, कोई अगर मैरिटल डिस्कॉर्ड है उसके केस में डिफरेंट होगा, कोई और साइकेट्रिस्ट इलनेस होगी तो उस केस की मतलब रोड मैप थेरेपी का अलग बनेगा. सो बट अप्रोच इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है आपकी, तो उस अप्रोच को यूज कर करके, जैसे हमने बोला कि वो समुंदर में नीचे कहीं ना कहीं खजाना हीरे छुपे हैं, ठीक है, उसी तरह हर पेशेंट के अंदर ठीक होने की डिजायर पड़ी है. क्योंकि कोई इंसान नहीं चाहता कि वो अपनी लाइफ पेन में गुजारे, दर्द में गुजारे. कोई कोई इंसान चाहता कि वो हमेशा बेचैनी में रहे. ठीक तो सब होना चाहते हैं पर विश्वास नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे बात बनेगी. तो हमारे अंदर हमेशा कांस्टेंट क्या चलता रहता है, एम्बिवेलेंस या डाउट. डाउट चलता रहता है करूँ कि ना करूँ, क्योंकि आज उससे पहले तो वाली स्टेज में तो प्री कंटेम्पलेशन था, उसने कभी फिक्र ही नहीं किया था, उसको दिख ही नहीं रही थी, उसको तो अपनी बात सच्ची लग रही थी कि जो मैं कह रहा हूं वो ही सच है, ठीक है. जहां उसको लग रहा था कि एडिक्शन जो हमने उस दिन भी बात की थी कि उसकी लाइफ में पार्ट एंड पार्सल बन चुकी है, वो कहते हैं कि यार इसको कैसे पता, मुझसे पूछो ना, ये तो मेरी जिंदगी है, मैं कैसे छोड़ दूं. ये जो आज मेरे को कह रहे हैं कि आज प्रॉब्लम हो रही है, जहां मेरा क्रैश आ रहा है, वो कह रहे हैं ये कैसे हो गया. तो अभी तो वो प्री कंटेम्पलेशन में स्टेज में होता है जहां पे वो सोच ही नहीं रहा होता कि उसको कोई भी बीमारी जहां उसका सब्सटेंस प्रॉब्लम दे रहा है. सो वो प्री कंटेम्पलेशन के बाद जब हम उस स्टेज में आते हैं, ठीक है, कंटेम्पलेशन में, वहां पे हम बात करते हैं उसकी एम्बिवेलेंस की कि अब उसका मन बन रहा है ठीक होने का, बट उसके अंदर अभी भी क्या चल रही है, दुविधा, डाउट चलता है, हो पाऊंगा कि नहीं पाऊं, करूं कि ना करूं. अब देखो निधि मैम, जो सारी टेक्निकलिटीज बता रहे हैं कि हम फर्स्ट स्टेज में ये करते हैं, सेकंड स्टेज में ये करते हैं, थर्ड स्टेज में ये करते हैं, पर हमारी हॉस्पिटल में ये जो बेसिक प्रॉब्लम है शुरू में जो हमें फेस करनी पड़ती है, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम टाइम ही नहीं देना चाहते. अब आप मुझे बताओ कि दिमाग खराब हुआ हुआ है, ये सारे केमिकल इम्बैलेंस है, पेशेंट का होप खत्म हुआ हुआ है, उसको कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है. अच्छा, पेशेंट को छोड़े तो जो फैमिली है वो खुद टूटी पड़ी है, उसके दिमाग में भी लव हेट दोनों चल रहा है, वो भी थकी पड़ी है, परेशान है. जब आप आते हो तो सिर्फ पेशेंट नहीं होता, अगर पेशेंट के पेरेंट्स आए तो उनके पेरेंट्स के इश्यू चल रहे होते हैं, उनके घर में और इश्यूज चल रहे होते हैं. आप ये देखो कि हम पूरे टूटे फूटे इस हॉस्पिटल में आते हैं. जब आप डॉक्टर से बोलते हो ना ये दवाई बंद कर दो, सिर्फ दवाई खा लेंगे. अब आप जैसे बोले कि अगर निधि मैम ने कहा कि पहली बार मॉड्यूल में तो हम सिर्फ उसको एहसास दिलाते हैं, तो आप बोलो ये हम घर में दिला लेंगे. कैन यू डू इट? बहुत फैमिलीज कहती है तो जी हम घर में कर लेंगे. आप कैसे कर लेंगे जब आप खुद ही अनहैप्पी है, जब आप खुद ही ठीक नहीं है, जब हमारे केमिकल्स ही इम्बैलेंस है, जब हमारे पास अपने आप कोई होप नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है. सो इतनी सारी चीजों की बातों का कोई फायदा नहीं होता जब तक हम इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करें. जैसे परसों जो चीज हुई, हम एक्सेप्ट करा कि ये लक्षण है हमारे अंदर, इसीलिए हम यहाँ बैठे. आज करा कि लक्षण क्यों है, क्योंकि ये केमिकल्स खराब है. अभी दो केमिकल्स रहते हैं जो निधि मैम, आई थिंक शुड क्विकली वाइंड अप दिस थिंग कि इसकी वजह से है. अच्छा, अब जब ये खराब हो गया है तो ट्रीटमेंट क्या है, क्या ठीक करेगा? अब ट्रीटमेंट जिसका करना है वो 1% भी अभी मोटिवेशन नहीं है उसमें. तो जब आप बोलते हो 3 months का सिर्फ 1 month दे दो हमें, 1 month का सिर्फ 15 days दे दो, तो आप बताओ कि आप कैसे क्वेश्चन पूछते हो और हम इसका क्या जवाब. So I just, पूछती है. I just reframe मैम का एक sentence. फ्रैक्चर के बाद प्लास्टर लगता है तो नॉर्मल कितने वीक्स बोलते हैं डॉक्टर कि प्लास्टर लगेगा? 3 weeks. अच्छा, जब कोविड हुआ था क्वारंटाइन के लिए कितने दिन बोले थे? 14 days. सरेंडर हुआ था वहां पे कि किसी को लगता है कि नहीं मैं प्लास्टर खुलवा लूं जाके, हुआ? So why in this hospital? आपकी डिस्क्रिपेंसी यहाँ पे क्यों आ जाती है? वहां पे आपको बीमारी दिख रही होती है क्योंकि हम बोलते हैं, मगर यहाँ पे हम बीमारी मानते नहीं.
यहाँ बट द थिंग इज कि क्योंकि यहाँ पे माइंडसेट ऐसा है, वहां पे हमें बीमारी दिख रही है, वहां पे तो हमें पता है कि 12 भी है तो हम कहते नहीं एक हफ्ता और कर ले ठीक है फिर एक्सरे कराएंगे फिर उतरवाएंगे, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं 7 दिन के ट्रीटमेंट को भी हम क्या कहते हैं कि नहीं 3 दिन कर लीजिए, दैट मीन्स द सेवेरिटी ऑफ द इलनेस आप लोग उसको नहीं देख पा रहे नहीं समझ पा रहे, क्योंकि इसीलिए हमने उस दिन भी बात की थी कि पेशेंट का ट्रीटमेंट में तो बाद में शुरू होगा ठीक है वो तो बीमार है, बट आप जो लोग लेके आए हो आप तो पहले इस चीज को बिल्कुल हकीकत मान लीजिए कि पेशेंट के अंदर 10-12 जो सिम्टम्स चल रहे हैं वो मेरे बस की बात नहीं है, उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट सेंटर ही ठीक करेगा, उसका प्रोफेशनल ही ठीक करेगा, द थिंग इज कि यहाँ पे हमारे पास टाइम ही नहीं है, यहाँ पे जब एनुमनाल तो हमने वही बोला था कि एनुमनाल दे चक्कर विच ते फिर मैं और अपनी सफरिंग बतावा और जब तक हमारे साथ जुड़े रहते हो हम बस समझाते ही रह जाते हैं आपको कि ये डिजीज है मान लो, अब ये रिलैक्स ऐसे होता है मान लो, अब ये पेशेंट है मान लो, मतलब ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है और ये इतना डिफिकल्ट है कि इसमें दवाइयां भी चाहिए, साइकेट्रिस्ट भी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट भी चाहिए, फैमिली काउंसलर भी चाहिए, इतने सारे सेशन भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए, तो हर चीज हर हर फेज में हमें एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा हर फेज में। यहाँ पे क्या होगा हमने यहाँ पे तो हम हाईली मोटिवेटेड हो जाते हैं और फिर कमरे में जाके कहना ओ छड्डो मैडम दी गल ठीक है सवेरे फिर पूछिए फिर राउंड पे कदों जाना वो फिर पेशेंट में कह ला पेंदे अगर आप प्रैक्टिकल भी कोई हार्ट पेशेंट है वो वही तो चैलेंज है नहीं करते यार देना प्लीज भाई हम तो हम कह रहे हैं कि हम उसके इसी चीज का इलाज कर रहे हैं आप हमें टाइम दे दीजिए बट यहाँ पे टाइम किसी के पास नहीं है क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आप कोई भी डिसऑर्डर देखो तो उसमें पेशेंट खुद से वो चीजें नहीं करता है कि वो अपने आप हार्ट अटैक आप बोल देते हो सेटिंग्स को कम कर दो बट वो फिजिकल सिम्टम्स वी कैन परसीव सो योर पेशेंट हैज गॉट कोमॉर्बिडिटीज है ना साइकेट्रिक इश्यूज आर देयर लिवर इश्यू इज देयर एंड यू आर नॉट रेडी टू गिव अस मोर टाइम रीजन अब बताओ अब उसका हम क्या करें बट वही मैं आपको कह रही हूँ ना कि जो दूसरी बीमारियां होती है उसमें बिहेवियर डिसऑर्डर्स और बाकी चीजें बिहेवियर को छोड़ दें यू जस्ट टॉक टू अस यू आर फैमिली एंड वी आर एक्सपर्ट्स एंड वी वांट मोर टाइम फ्रॉम यू यू आर नॉट रेडी टू गिव टाइम इफ यू आर नॉट रेडी टू गिव टाइम हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ पेशेंट टू बी फाइन बिहेवियरल डिसऑर्डर भी साथ ही जाएंगे ना वो भी उसी का पार्ट एंड पार्सल है वो भी तो डिसऑर्डर हो चुका है मेरे कहने का मतलब जरूर दूजिया बीमारियां होंगी तो इलाज कराओगे दूजिया भी आ जानियां जी इसलिए हम उसके इलाज के लिए कोई अनगहली नहीं करते हम तुरंत कहते हैं कि नहीं यार मैं दिखाई आऊं 3 दिन हो गए दर्द नहीं जा रहा ठीक है फिजिकल सिम्टम्स हमारे दिख जाते हैं बट द थिंग इज जो ये हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं इसको हम क्या कहते हैं पेशेंट गुस्सा कर रहा है तो हम क्या कहते हैं ये तो उसका स्वभाव ये तो जिद्दी शुरू से ही था ये तो बचपन में ही था तो हमारे कुछ पक्के बिलीफ सिस्टम्स धारणाएं बने होते हैं हम उस फ्रेम से चल रहे होते हैं ठीक है कि ये जानबूझ के कर रहा है सो इसलिए हमें उस चीज को करने में हमारा दिल ही नहीं मानता यहाँ पे आपका दिल मानेगा द मोमेंट यू विल गेट अप एंड गो इनटू योर रूम आपका दिल जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाए हम तो प्री ट्रीटमेंट ही करते रह जाते हैं क्योंकि हम माइंडसेट से आते हैं तो पहले तो हमें उस माइंडसेट को चेंज करना है जिसको सर एक्सप्लेन कर रहे थे पैराडाइम शिफ्ट करो कि नहीं नहीं ये पंजाबी होगा लक्षण नहीं है ये बीमार इंसान का लक्षण है So let's go ahead with that. Yes. Next, हम करते हैं हमारा नेक्स्ट बचा है एंडोर्फिन ठीक है एंडोर्फिन का मतलब हमारे ये नेचुरल पेन किलर्स है ठीक है जो हमें हम कहते हैं कि
अनएक्सप्लेन जो हमें लगता है यहाँ दर्द हो रही है वहां दर्द हो रही है, ठीक है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी बॉडी में एंडोर्फिन नेचुरली नहीं बन रहा, क्योंकि वो उसको पेन रिलीफ करने के लिए वो हार्मोन सिक्रीट होता है। अब क्या होता है कि एंडोर्फिन नॉर्मली बनता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जहाँ एक्सरसाइज करते हो। अब एक इंसान जो सिर्फ हमेशा कमरे में बैठा है, बेड पे बैठा है, उसका एंडोर्फिन नहीं बनेगा। तो एंडोर्फिन क्या होता है, इनसाइड द बॉडी, ये वर्ड, ठीक है। और जो मॉर्फिन, मॉर्फिन का क्या काम था, ओपियम का, पेन किलर। तो हमारी बॉडी नेचुरली पेन को किल करने के लिए, पेन को कम करने के लिए हार्मोन बनाती है। बट क्योंकि हम अपने आप को डिस्कम्फर्ट जोन में डालते ही नहीं हैं, ठीक है, हम सिर्फ आजकल के तो यही है, एज अ पेरेंट भी हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कम्फर्ट्स देंगे। आपने अपनी पेन लाइफ में इतनी पेन सही, आपने स्ट्रगल्स किया, इसलिए आप स्ट्रांग हो। बट जो अगर बच्चों को आप सिर्फ कम्फर्ट जोन दे रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन आप कैसे उनका ग्रो करोगे। लाइफ में कोई चैलेंज आएगा फिर तो वो घिरेंगे। सो आप देखिए कि नॉर्मली जब ये होता है, एक टर्म यूज करते हैं रनर्स हाई। आप देखो कि बहुत सारे जिम के बाद, एक्सरसाइज के बाद आप थके होते हो, बट आपके अंदर वो किक आ रही होती है, हाई फील हो रही होती है। वो क्यों फील हो रही होती है? क्योंकि आपके अंदर एंडोर्फिन बन रहा होता है। और यहाँ पे हम जितनी भी स्पेशली हमारे जो ये लेडीज हैं, ठीक है, स्पेशली जो हमारे मम्मी वाला हमारा जो एज ग्रुप है, वो क्या कहते हैं, मेरे अन्य स्टेप्स तो हो ही गए कि वे रसोई तो कमरे तो कमरे तो हूं मैं वखरी थोड़ी सैर कर जावा। दिस इज आवर माइंडसेट। आप कभी मम्मी को बोलो ना कि मम्मी सैर पे जाते हो, कह रहे ले घर पे ही तो हो गई है, तू देख तो सी, मैं सारा दिन तो ऊपर नीचे कर रही हूँ। वो नहीं है, तीन बारी कपड़े सुखड़े पा रही है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक जो नेचुरल रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए कोई तो आपकी हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो हम हमेशा इग्नोर करते हैं। सो एंडोर्फिन्स, अगर आपको अपनी बॉडी के जो अनएक्सप्लेन जो पेन्स हैं उसको कम करना है, तो आपको ये वाला केमिकल आप पे काम करना पड़ेगा। जो हर टाइम पे कहते हैं दर्दें दर्दें दर्दें, इसका मतलब कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और उनका ये केमिकल नहीं बन रहा। एंड उसके बाद मैम ने लिखा है एड्रेनल, ये है हमारा स्ट्रेस हार्मोन। इसका काम ये क्या है कि जब भी ब्रेन जो किसी सिचुएशन को देखता है कि डेंजर है, जहाँ उसको लगता है अलार्मिंग है, तो फटाफट हमारी बॉडी इस चीज में तैयार रहती है, ठीक है, कि वो एक केमिकल रिलीज करती है जो फाइट और फ्लाइट, जहाँ तो आप उसको लड़ो, जहाँ वहाँ उस सिचुएशन डेंजर से आप भाग जाओ। तो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में कोई भी ऐसा थ्रेट आ जाए, जो डेंजर आ जाए, तो हम ये नहीं हो सकते ना कि वहाँ पे खड़े रहें। सो ये वाला एक नेचुरल वे में रिलीज होता है। बट क्या होता है कि जब हम कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में रहते हैं, बच्चा ठीक नहीं है, क्या बनेगा, काम कैसे चलेगा, घर में पैसे नहीं आ रहे, तो ये उसका फ्लो ज्यादा बन रहा, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा आपका बन रहा। अब जब स्ट्रेस हार्मोन आपका ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमेशा आपका हार्ट रेट, आपकी ब्रीदिंग को हमेशा एक्सेसिव बना के रखेगा। मैम ये भी हमारा माइंडसेट है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस वर्ड को हम वैसे ही नेगेटिव मानते हैं। तो स्ट्रेस बॉडी का एक इम्पोर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, सिस्टम है। स्ट्रेस एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी को भी होता है जब उसे भूख लगती है। दैट मीन स्ट्रेस होना जरूरी है। स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, जैसे भी कभी जब रश होता है, अगर बॉडी तैयार नहीं होगी, मान लीजिए घर में शादी है, आपको किसी को मिलने जाना है, थोड़ा एक्साइटमेंट होती है, तो बॉडी आपको प्रिपेयर कर रही है, दैट इज न्यू स्ट्रेस, हैप्पी स्ट्रेस, ठीक है। और जैसे मैम ने कहा कि जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो डिस्ट्रेस बन जाता है। बट स्ट्रेस एज अ वर्ड, एज अ टेक्निकल टर्म, इज पार्ट ऑफ अ लाइफ, नेचुरल, वो होना चाहिए। वो नहीं होगा तो शरीर तैयार नहीं होगा। सो इसका मतलब दो वर्ड्स होते हैं स्ट्रेस के, जो नंबर वन इज ई यू और आगे स्ट्रेस, दैट इज अच्छा है, मुझे स्ट्रेस ना हो तो मैं टाइम पे सुबह काम पे पहुंच ही ना पाऊं, अगर स्ट्रेस ना हो तो घर पे अभी टाइम पे पहुंचू ना, काम ही ना करूं। सो दैट इज कॉल्ड ई यू और आगे स्ट्रेस। एंड दूसरा जो हमारा अनवांटेड बन रहा है हमेशा चिंता में, ठीक है, वो क्या हो गया, डिस्ट्रेस। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ का पार्ट है, बट द थिंग इज कि जब हम कॉन्स्टेंट चिंता में रहेंगे, तो इसका मतलब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम 24 घंटे ऑन रहेगा, फिर हम रिलैक्स नहीं कर सकते।
क्योंकि उधर पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का मतलब होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, यहाँ पे क्या है इमरजेंसी, हर टाइम पे आपको क्या दिख रही है आप इमरजेंसी। अब इमरजेंसी तो कभी कभार चाहिए, अब आप सोचो कि हर टाइम पे आप सड़क पे जा रहे हो और लाल बत्ती टू 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 चल रही है तो आप चल पड़ोगे, आप गाड़ी निकाल पाओगे क्योंकि इधर से गाड़ी हमेशा लाल बत्ती, ठीक है इमरजेंसी लगी हुई। अब इमरजेंसी मोड आपका ऑन हो गया तो इसका मतलब आप रिलैक्स रह ही नहीं सकते हैं। सो दिस इज लाइक जब हम कहते हैं कि जब हमने उस दिन बात किए थे सारे सिम्टम्स और साइंस की, तो उसके पीछे एक रीजन क्या है कि हमारे जो ये ब्रेन के केमिकल्स हैं ये ठीक से काम नहीं कर रहे। और हम सबके इमरजेंसी बटन ऑन होते हैं जब हम हॉस्पिटल में बैठे, ठीक है। अब इसको हम नेचुरली कैसे रिलीज करेंगे वो कल के सेशन में हम रखेंगे, ठीक है। सो आज हमें इतना क्लियर हुआ कि जो साइन सिम्टम्स, जो इनिशिएटिव नहीं आ रहा था, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन्स, जो मूड की खराबी थी, ठीक है, वो हमारे रिश्ते खराब थे, उनके पीछे की स्टोरी, पीछे की कहानी क्या है, ये केमिकल्स। हम आपके यहाँ पे इलाज इस चीज का कर रहे, मेडिसिन आपके ब्रेन के केमिकल्स को बैलेंस करने में मदद कर रही है, और थेरेपिस्ट आपके बिलीफ सिस्टम, आपके माइंड, आपकी सोचों पे काम कर रहा है ताकि आप अपनी मैनेजमेंट सीख सके। तो दोनों को साथ इकट्ठे चलना पड़ेगा। सो नितिन सर का went off fine, it was a hiring thing, मतलब लोगों को ऐसी अपना employ करना सीखा, तो by chance Monday करके ना अपना light नहीं सीखी, so that distress kind of signal was coming, but somehow we had you stress and finally and skills सारे अपना use हुए because there was lot of things to be done. हर तरीके का अपना काम सेगा, लाइट का नाले अपना हाउ टू मैनेज, बहुत सारे अपना कैंडिडेट से। मैं ये लगे कि माय फैमिली वाज हैप्पी दैट आई हैड बीन लेस अनप्रिडिक्टेबल, जरा कि मैं यूजुअली अपना हो जाता है। एंड द रियलाइजेशन इज दैट I think my family feels that I've got a better capacity now. I could see the very soft grin on your mother's face. She's so relaxed and listening you so attentively. वो भी कमी में है। हाँ, तो वो clearly दिख गया कि आपका दिन productive रहा था क्योंकि उनके चेहरे से आपकी recovery दिख रही है। ठीक है, हम अगर पेशेंट्स को देखें ना तो हम उनकी फैमिलीज के चेहरे से बता सकते हैं कि उनके घर में क्या चल रहा है। हमें पेशेंट तो अभी बात की बात होती है, मैं मिलती भी नहीं हूँ। जब मैं फैमिली को अपने केबिन में देखती हूँ तो आई कैन मेक आउट उनके चेहरों से व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सो इसलिए वो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहीं ना कहीं। जेड़े वेट लॉस पेशेंट नु आंदे ओ फैमिली नु आंदे, बिल्कुल आते हैं। इस करके पेशेंट पूछने दे, पेशेंट के तो हमें समझ आते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती फैमिली को उसको क्यों विड्रॉल आ रहे हैं। सो दैट इज कैच है ना, फैमिली कैच, इट्स अ फैमिली कैच टू द डिजीज, वी स्टार्ट फीलिंग लाइक इट इज नॉर्मल नेचुरल बिकॉज़ ओवर रिपीटेड लंबा सफर बहुत रहा है ना, तो हम हैबिचुअल हो गए। ठीक है, हम अपने घर में ये नॉर्मल समझते हैं, चीखना चिल्लाना रुसना दरवाजे बंद करना, हमें लगता है यही है, हम लगते हैं कि हमारी जिंदगी यही है, ये नॉर्मल है। हमें दूसरों को लेके लगता है ये एलियन है, ये कितने अच्छे से कैसे रह सकते हैं। हमारा इक्वेशन ये हो जाता कि हमें लगता है कि नहीं ये हस्बैंड वाइफ दोनों इकट्ठे कैसे जा रहे हैं, हमें वो अजीब लगता है देख के। असली उन्होंने जज कर ला पहले। हाँ जी, मुझे प्यार से सब कर रहे हैं। अब मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, एवरीबॉडी इज लविंग मी सो मच, देयरफॉर बेटे आई गेट दिस सिचुएशन। तां ते मौजां लगियां। गुड, सो रिक गुड।
रिकवरी हैज बिकम योर लाइफ स्टाइल, योर ऑक्सीजन, सो आप बिल्कुल ही दैट वाज सेंस ऑफ कामनेस इज देयर. मैम जैसे आपने बोला कि ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से मूड स्विंग्स एंड एवरीथिंग है, तो ये जरूरी है कि स्टार्टिंग से ही वो हमें वो केमिकल इम्बैलेंस होता है, या विद सम ट्रेजिक इवेंट या कुछ ट्रॉमा उसकी वजह से वो उसकी वजह से भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग. ओके, जेनेटिकली हो सकता है. अब कई बार मुझे हाँ पेशेंट्स कहते हैं कि लाइक उन्हें पता लगा कि जब वो बोलते हैं साइकोटिक सिम्टम्स है, मैम मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, तो इन वन ऑफ द शेयरिंग व्हेन आई मेंशन दैट कि विदाउट सब्सटेंस भी होता है, मतलब साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, तो सरप्राइजिंगली उनको नहीं पता, उनको लगता है कि वीड के कारण ही साइकोसिस आया था. तो इन जनरल वो वैसे भी आ सकता है, आपकी ब्रेन की अबनॉर्मेलिटी के कारण भी आ सकता है, जेनेटिक फैक्टर भी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. इसलिए हमने बोला था कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. तो बहुत सारी पीछे फैक्टर्स है, इट्स नॉट सिंगल फैक्टर, मल्टी फैक्टरल अप्रोच होता, ठीक है, कि पेशेंट के डोपामिन का ये आप नॉर्मली आप अपने जब हम बिहेवियर में देख पा रहे हैं, ये जो पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए हैं यही वाइटल साइंस हैं. यहीं से आप मतलब आपका मैंने कहा था कि यू स्टार्ट एक मतलब स्पेकुलेशन में गैस लगाना आप कर सीख सके. इतने सिम्टम डिस्कस करने के बाद पूरे सेशन के बाद फिर भी तसल्ली चाहिए. आप सोचो कि कितना मुश्किल है फैमिली को समझाना कि अगर मेरे सामने टेस्ट हो जाए तो शायद मैं मान जाऊं. नो नो, इट्स नॉट जस्ट यू, ये हम सब फैमिली के चैलेंजेस हैं. नहीं नहीं, आप मुझे बताइए, ठीक है, इसमें टेस्ट क्या चाहिए, ठीक है. हाँ, मेरा हस्बैंड तोड़फोड़ कर रहा है, ठीक है, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड वाले हैं, ठीक है, मेरा हस्बैंड तोड़फोड़, ठीक है, मेरा हस्बैंड एग्रेसिव रिएक्टिव, ठीक है, मेरे हस्बैंड की वर्क परफॉर्मेंस डिक्लाइन है, ठीक है, मेरे हस्बैंड पे दुनिया क्वेश्चन कर रही है, मुझे बताओ ये स्टेटमेंट्स सैटिस्फाई नहीं करती हैं. अब इससे पता चलता है हम भी कितना सिक है कि हमें डिसऑर्डर दिख रहा है मगर फिर भी हम नहीं मान रहे. सो यू सी कि यहाँ पे हमारी फील्ड में सिर्फ पेशेंट का चैलेंज नहीं है, चैलेंजेस ऑफ एक्सपर्ट्स, चैलेंजेस ऑफ पेशेंट, चैलेंजेस ऑफ फैमिली, देन 100 और चीजें. व्हाई डू यू थिंक मतलब आप 7 days हॉस्पिटल में रहते हो तो 14 meetings तो आपके सेशंस होते हैं, उसके बाद हमिटे शिफ्ट होते हो, एवरी सैटरडे यू हैव सेशन, वी हैव ऑनलाइन सेशन, वी आर नो पीपल, नो हॉस्पिटल इज डूइंग सो मच. हम इतना कर रहे हैं तो कुछ लोग मान रहे हैं और सक्सेस रेट हो रहा है. जहाँ पे कुछ भी नहीं साइको एजुकेशन है वहां तो हो ही नहीं रहा. जैसे आपने कहा बॉड ट्रीटमेंट कराए, अभी जिसने भी बोला हाँ जी हमने बॉड ट्रीटमेंट कराए, तो मुझे एक्सप्लेन कर दो 3 lines में, सर 4 में क्या ट्रीटमेंट कराया, हमें तो पता ही नहीं बीमारी क्या है. हमें तो ना इन केमिकल्स का पता है, ना हमें सिम्टम्स का पता है, ना हमें ट्रीटमेंट का पता है, ना हमें डिजीज कॉन्सेप्ट पता है, ना हमें ये पता है कि हम पेशेंट के साथ रहते रहते बीमार हो गए. इसलिए WHO को फैमिली डिजीज बोलता है. अगर पेशेंट डिपेंडेंट है तो हम को डिपेंडेंट है. तो जब हम बोलते हैं जी बढ़े इलाज कराए, तो क्या इलाज कराया. और सबसे बड़ी बात है कि दिमाग फिक्स ही होते है, इहदी शराब चलाउणी आ बस, होने पींदा ते होने नहीं पींदा, इस तो गां आपां तुरदे ही नहीं. हम देखो हम तो शराब छोड़ने के मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे, हम तो उसके ये सारे केमिकल्स को लेके आ रहे हैं ताकि उसकी लाइफ में मोटिवेशन बनी रहे, उसकी लाइफ में वो फील गुड करे, प्लेजर आए, ठीक है. हम तो उसके कर रहे हैं उसका मूड स्टेबल रहे, हमारी कोशिश है कि उसके रिश्ते जो बिखर गए थे, टूट गए थे, वो ठीक हो जाए. हम कह रहे हैं कि उसको कम्फर्ट जोन से निकाल दिया, मुझे बताइए हम तो ट्रीटमेंट ही उसका सब्सटेंस का कर ही नहीं रहे. हम तो ये कर रहे हैं कि उसकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया हो जाए कि उसको उस चीज की जरूरत ही ना पड़े. हमारा काम तो सारा यही है. सैडली आप लोगों को लग रहा हो कि हम तो यहाँ पे नशा छोड़ाने आए थे, ये लोग तो काम ही लगता नहीं. हमारा पर्पज ही यही है, जेड़ा चिट्टा लौंदा वा ओह कहंदे जे फीम खा लिया करे, जेड़ा फीम खांदा कहंदे जी शराब पी लिया करे, जेड़ा शराब पींदा ओह घर दे छडाउण ते आए नहीं, घटाउण आए है.
फैमिली गल्लां इहो जिहियां करदियां वी इह घट पी लिया करे ते अगे वांगू सोहणी शराब पी लिया करे शराब सोहणी हुंदी आ नहीं नहीं वो क्या कहते हैं कि हम हर्मिटेज में देखते हैं वो मीटिंग में लेके आते हैं किलो डब्बा घी का मैडम दिमाग चो ना खुशकी पै गई तुसी एक घ्यो दे देना ठीक है वो ठीक हो जाएगा मैं सोचती हूँ कि ये घी देने से अगर ये केमिकल्स ठीक हो रहे होते तो ये जो FDA अप्रूव्ड हम दवाइयां दे रहे हैं जो डॉक्टर भाटिया दे रहे हैं इसकी जरूरत ही ना पड़ती फिर तो मैं एवरीबडी गेट कौन सा मिल्क फूड का देसी घी इलाज फैमिली अक्सर कहते हैं जो पेशेंट जाते हैं ना सारे आप खरोड़िया की मां दवा दे खरोड़ा खरोड़े खवाया करिए मैं अगे कुट घट खाधी नहीं खरोड़े खवा के तकड़ा करना तो कुटना I also want to ask question मैम मेरे को लगता है कि मेरे में तो सारे ही केमिकल जो इम्बेलेंस है जो मैं खुद को भी मैं एडिक्टेड नहीं हूँ ठीक है तो चलो लेट्स फाइंड दैट कि हमने प्रॉब्लम आज आइडेंटिफाई कर ली ठीक है अब इसका सोल्यूशन नेचुरली हमें इन केमिकल्स पे कैसे काम करना है तो हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे ठीक है जी